आई गेस मैं लाइव हूँ अभी, या फिर पता नहीं मैं लाइव हूँ या नहीं हूँ। प्लीज़ एक बार कंफर्म कर दीजिए चैट बॉक्स में कि मैं ऑडियो वीडियो जो है वो विजिबल हो रही है या फिर नहीं हो रही है। आई होप आप लोग ऑडियो वीडियो जो दोनों के दोनों बिल्कुल विजिबल हो रही होगी और सही तरीके से आप लोगों को जा रही होगी। तो फटाफट अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के, जल्दी जल्दी। चलो, कैसे हैं आप सभी? तो पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मैं हूं दिव्या त्रिपाठी, हमेशा बताती हूँ, आज वैसे बता रही हूँ, आपकी अपनी जीएस मेंटर। और कुछ मेरे बारे में, आगे बढ़ते हैं। तो अपने सारे डिफेंस वाले बिल्कुल तरीके से रेडी हो जाइए। मैं बढ़िया, तुम लोग बताओ कैसे हो? अब देखो, यहाँ पे सारे के सारे डिफेंस वाले, एसएससी जीडी वाले, जितने भी आप लोग स्टूडेंट हैं, एनटीपीसी वाले, जितने भी आप लोग हैं, आप लोगों को देखिए स्पेशल क्लास अनअकैडमी का, आप जैसे आप इंस्टॉल करते हो अनअकैडमी का, प्ले स्टोर से जाइए और ऐप इंस्टॉल कीजिए। वहां से आपको बहुत सारे फ्री स्पेशल क्लास प्रोवाइड कराए जाते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहते हैं। और आपको सिलेक्शन लेना है और सही तरीके से अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो फिर आपको आना पड़ेगा कहाँ पे, हमेशा की तरह प्लस के प्लेटफॉर्म पे। अब प्लस के प्लेटफॉर्म पे देखो आपको क्या क्या अवेल कराया जाता है। आपको वहाँ पे डेली लाइव क्लासेस मिलेंगे, आपको लाइव टेस्ट क्विजेस मिलते हैं, स्ट्रक्चर कोर्सेज रहते हैं, लाइन बाय लाइन में अनलिमिटेड एक्सेस रहता है। मतलब कि तुम अगर प्रीवियस जो क्लासेस हो चुकी हैं आप उनको भी देख सकते हो, आने वाले आपके जो बैचेस जो लॉन्च होने वाले हैं आप उनमें भी एनरोल कर सकते हो। अपने आपको करना क्या है, अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल कीजिएगा, वहाँ अपने फोन नंबर और मेल आईडी से रजिस्टर कीजिएगा। उसके बाद आपका गोल आ जाएगा, गोल अपना आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपका सिलेबस वहाँ पे खुल जाएगा। और फिर उसके बाद आपके पास जैसे ही खुलता है सिलेबस, वहाँ पे आपके सामने सब्सक्रिप्शन का पेज खुल जाएगा। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन का जैसे ही पेज खुलेगा आपको जो भी प्लान सेलेक्ट करना, चाहे 2 महीने का, सॉरी 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का या फिर 2 साल का, तो आप उस पर टिक करके प्रोसीड कर सकते हो आगे बढ़ के। आप देख पा रहे हो बहुत ज़्यादा भी ऑफ भी चल रहा है और फिलहाल डिफेंस वालों के लिए कॉम्बो ऑफर का प्लान भी चल रहा है। तो जैसे आप परचेस करते हो 1 साल का या 2 साल का या कोई भी आप कोड परचेस करते हो, तो फटाफट मेरा कोड इस्तेमाल कीजिएगा दिव्या मैम का एंड प्रोसीड कीजिए पेमेंट के लिए। अभी 20% डिस्काउंट चल रहा है आपके कॉम्बो ऑफर पे। आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर कैंडी एयरफोर्स एक्स एंड वाई नेवी प्लस एसएसबी का जो गाइडेंस हो रहा है उसमें आपको ऑफर मिल रहा है। मतलब देख रहो कितना ज्यादा लेस हो जा रहा है। ऐसे आपको पड़ता है 18,000 रुपए और ऐसे डायरेक्ट आपको पड़ जा रहा है 14,400 रुपए अगर आप डिस्काउंट अवेल यहाँ पे कर रहे हो। और इसमें भी आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिलता है जब आप दिव्या मैम का कोड इस्तेमाल करते हो। देख लो, सीधे सर्टिफिकेट सीएपीएफ और एसएसबी आप सभी के लिए भी है। अब आगे बढ़ जाओ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग विवेक वर्धान, कैसे हो? एक बार बताओ कहाँ गायब रहते हैं सारे बच्चे? बस यही तो बच्चों का जवाब मुझे आता है, बाकी लगता है सब चुपचाप साइड में जाके बैठे रहते। बोलते नहीं मैम, अपन नहीं बताने वाले कि हम लोग भी क्लास में हैं, मौजूद हैं। हाँ चलो सेशन को फिर स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद बीच में मॉडर्न हिस्ट्री भी आपका आ जाएगा। तो कंबाइन सेशन करके हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर से निकाल के जो भी आपका पढ़ा है। सीएपीएफ वालों आप लोगों के लिए स्पेशली बोला जा रहा है और एफकेट वालों आप लोगों के लिए स्पेशली ये चीज बोला जा रहा है, तो एक बार से देख लीजिएगा। और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फटाफट। मैं बढ़िया, तुम बताओ कैसे हो? सूरज पहले ही बता दे रहे हैं आंसर। सूरज कह रहे हैं अपन पहले बता देंगे आपको। चलो ठीक है, मैं 1 सेकंड रुक जाऊँ, मुझे इंक जो है मुझे वो सेलेक्ट कर लेने दो। और अच्छा भूलियो मत, आज स्पेशल क्लास है तुम लोग की 6 बजे वापस से। सूरज कह रहे बी, तो मुझे पहले बोल लेने दो। दक्षिण अमेरिका की बहुत बड़ी झील है टिकटिका झील, जिसमें से 2 देशों की सीमा पर स्थित है। लेक टिकटिका इज अ लार्ज डीप लेक इन साउथ अमेरिका, जो कि कहाँ पे लोकेटेड है, 2 कंट्री के बीच में, मतलब उसके बॉर्डर पे लोकेटेड है। अब बताओ कौन सी है? सूरज पहले बोल चुके हैं कि मैम इट्स बी, विवेक भी बोल चुके हैं, वरधान भी बोल रहे हैं बी। अरे तुम लोग के, अरे वरधान के मैसेज मुझसे ही डिलीट हो गए, कैसे हो गए? एक सेकेंड, पता नहीं यार क्या हो गया ये, या इट्स बी वरधान, एक सेकेंड रुक जाओ, तुम्हारा मैसेज मुझसे ही थोड़ा ये हो गया, रुक जाओ। पता नहीं तुम्हारा रिव्यू में क्यों चला जा रहा है, एक सेकेंड। चलो हाँ जी, आप तो सबको इसका जवाब बिल्कुल पता है, लार्जेस्ट लेक इन साउथ अमेरिका, पेरू। चलिए अब मुझे ये बताइएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडीड अंडर फिजिकल ज्योग्राफी, बताइएगा फटाफट।
हाँ चलो अभी दिख रहा है, अभी तुम्हारे मैसेज दिख रहे हैं, पहले पता नहीं वो मुझसे ही हिडन हो गए। बताइएगा भौतिकी भूगोल के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है और बाहर बारिश की तेज गूंज सुनाई दे रही है वो आप लोग को, क्योंकि बादल ही बहुत तेज गरज रहा है और आज सुबह थोड़ी सी बारिश जो थी वो धीमी हुई थी, लेकिन वापस से पता नहीं क्या हो गया। जवाब इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ह्यूमन माइग्रेशन, सॉइल या फिर सेटलमेंट, विच वन? फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर क्या पढ़ा जाता है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में पढ़ा जाता है, ह्यूमन माइग्रेशन के बारे में पढ़ा जाता है, मिट्टी सॉइल्स के बारे में पढ़ा जाता है या फिर सेटलमेंट के बारे में पढ़ा जाता है? वरदान कह रहे सॉइल। विवेक अरे कितने गए आप सबका जवाब? अगर सारे जवाब मैंने खुद ही बोल देने हैं तो एक बात बताओ फिर हम मॉक टेस्ट लगा कैसे रहे हैं? विवेक, सूरज, सौरभ, पांडा, आरडीएक्स, रवि की, मतलब नाम रखते हो लेकिन गजब गजब। देखो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करेंगे तो सिंथेटिक स्टडी है किसके किस रिलेशन के बीच में, ह्यूमन सोसाइटीज के बीच में और अर्थ के सरफेस के बीच में। जहाँ पे आप फिजिकल ज्योग्राफी अगर आप पढ़ते हो तो फिजिकल जियो आप किसके रिलेटेड पढ़ते हो? आप पढ़ते हो नेचुरल फिजिकल फेनोमेना के तहत, है ना, जिसे हम क्लाइमेटोलॉजी हो गया, सॉइल हो गया, वेजिटेशन हो गया। अब फिजिकल का अगर जियो की बात करेंगे अगर हम, तो देखो लैंड फॉर्म्स है, रॉक्स के बारे में, मिनरल्स के बारे में, सॉइल के बारे में, क्लाइमेट, रिवर्स और एटमोसफेयर के बारे में। वेयर एज आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि अगर हम ह्यूमन जियो के बारे में बात करेंगे तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? पॉपुलेशन के बारे में बात करेंगे, सेटलमेंट के बारे में बात करेंगे, माइग्रेशन, ट्रांसपोर्टेशन, सोशल ट्रेडिशन और इसके साथ ही हम लोग करप्शन के बारे में ही बात कर देंगे। फिर हम लोग और क्या क्या बातें कर सकते हैं? ह्यूमन से रिलेटेड हम बातें कर सकते हैं कि कितने लोग मतलबी होते हैं और कितने लोग अपने बस काम से काम का मतलब रखते हैं, है ना, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी ऐसे। तो ओके आगे बढ़ लेते हैं। अब देखिए सेटलमेंट बेटा, उनकी रहने का सेटलमेंट के बारे में ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट सोर्स टू स्टडी इंटीरियर ऑफ द अर्थ? इनमें से निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के आंतरिक भाग का अध्ययन करने के लिए प्रत्यक्ष स्रोत का उदाहरण है? बोले तो सोर्स, डायरेक्ट सोर्स कौन सा है? ग्रेविटेशन, सेस्मिक एक्टिविटीज, मैग्नेटिक फील्ड या फिर वोल्केनिक एरप्शन, विच वन? अब्दुल अहमद, सूरज कह रहे हैं बी। बाकी का जवाब यार तुम लोग सेशन को ना एक बार लाइक भी नहीं करते हो पता है, मतलब एकदम ठान के रखते हो कि चाहे कुछ भी हो जाए गोली मार दूं तुम लोगों को, पता है एक दिन क्या है ये सेशन में से बैठे रहेंगे लेकिन एक बार भी लाइक नहीं करेंगे, मतलब गलती से भी कि नहीं नहीं थोड़ी लाइक कर देंगे। मैम पढ़ा रही है यहाँ पे लेकिन कोई दिक्कत थोड़ी है, फ्री में कंटेंट मिल जा रहा, सब कुछ हो जा रहा, लेकिन फिर भी एक एक एडिक्ट होता है ना, एक थोड़ा सा भी कि एक लाइक कर दे कम से कम सेशन को। अरे ना सूरज तुमको ही बोल रही हूँ, विवेक तो कहाँ तुम गायब इतने दिनों से? वरदान भी कह रहे हैं बी। अच्छा विवेक कह रहे हैं डी, वोल्केनिक एरप्शन। ओके ओके तो आप लोग के लिए यहाँ पे दिखा दूं मैं कि वोल्केनिक एरप्शन जो है वो बिल्कुल सही जवाब है, और अपना जो एनडीए एयरफोर्स वाला बच्चा है उसने सही जवाब दिया। अरे सीएपीएफ वालों क्या हो गया तुम लोगों को, एफकेट सीएपीएफ वालों, ये तुम सवाल है तुम लोग के क्वेश्चन पेपर से, पता है सवाल है ये तुम लोग वाले से और जवाब दे रहा है एयरफोर्स का बच्चा। सोचो उसकी तैयारी कितनी तगड़ी हो रखी है उस बच्चे की। टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है जब हम जाते हैं डीप अर्थ के अंदर, देयर फॉर साइंटिफिक डिपेंड्स ऑन द सम सोर्स ऑफ स्टडी की इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जो कि बेस्ड होता है किस पे? नेचर सोर्स, वेयर दे आर डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स, विच टाइप ऑफ डायरेक्ट सोर्सेज एंड इनडायरेक्ट सोर्सेज। अगर हम डायरेक्ट सोर्सेज की बात करते हैं तो डायरेक्ट सोर्सेज में क्या क्या फॉल करता है? सर्फेस रॉक आता है, वोल्केनिक इरप्शन आता है, फॉर्म्स एक्सेट्रा। इनडायरेक्ट में क्या आएगा? मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशन, सेस्मिक एक्टिविटीज एंड मेटर्स। हाँ कंफ्यूजन लग रही थी, यही तो कंफ्यूजन होता जो एग्जाम में कंफ्यूज करता है। यस एब्सोल्युटली राइट। अरे सूरज कैसा चल रहा तुम्हारा, तुम बताए नहीं जॉब के बारे में। विवेक हो लेकिन तुम एकदम तपाक जवाबी, पता है वो हाजिर जवाबी वाला। आगे बढ़ो, लेट द स्फीयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? और वरदान तुम क्या मतलब अपने काम की जगह से तुम बैठ के ये कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, काम पे ध्यान दो। नहीं, रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू, सारे बच्चे इतने प्यारे प्यारे हैं, ये काम करते रहते हैं अपनी जॉब वाले फील्ड में हैं, उसके बावजूद भी जैसे ही सेशन लगता है सेशन को अटेंड करना नहीं भूलते हैं। थैंक यू।
लिथोस्फेयर जो है कॉम्बिनेशन है किसका, अपर कोर का, लोअर कोर का, अपर क्रस्ट, लोअर मेंटल क्रस्ट एंड अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल, या फिर मेंटल एंड कोर, व्हिच वन? ओके, ऑल द बेस्ट। कितने बजे जा रहे हो तुम टेस्ट देने? जवाब जवाब जवाब, नेशन वांट्स टू नो। अरे नालायको, सातवीं अठवीं कक्षा का ये एक सवाल है, लिथोस्फेयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? राहुल कह रहे मैम बाय बाय मैम। राहुल कहाँ जा रहा है? राहुल एग्जाम देने जा रहे हो? ओके बाय। ओ अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं, कोई इश्यू नहीं बेटा, नो इश्यूज। जल्दी 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 जवाब जवाब, मैं नहीं बढ़ने वाली हूँ आगे, सही बता रही हूँ, तो मुझे जवाब नहीं मिलने वाला, यहाँ से मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। तो स्फीयर जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है किसका, अपर क्रस्ट का, अपर कोर, लोअर कोर, अपर क्रस्ट, रोल मेंटल, या फिर क्रस्ट और अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मेंटल, विच वन? सारे के सारे एकदम बैठ जाते हो ना, बिल्कुल। प्रधान जवाब दे रहे हैं अपर क्रस्ट एंड अपर मेंटल। ओके, एनीवन एल्स? यार विवेक तुम ना हो, लेकिन एब्सोल्युटली राइट। देखो यहाँ पे क्रस्ट और अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मेंटल के बारे में अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। लिथोस्फीयर जो कि हम रेफर कर रहे हैं किसको लेके, जो पोर्शन ऑफ द डेप्थ अप टू 200 किलोमीटर का सरफेस ऑफ द अर्थ से, कितना, 200 किलोमीटर, छोड़ के आ जाऊंगी तुम लोग एकदम वहीं पे ले जाके। द क्रस्ट एंड द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल आर कॉल्ड लिथोस्फेयर एंड इट्स थिकनेस रेंजेस फ्रॉम 10 to 200 किलोमीटर। कितनी बार, 8वीं 9वीं कक्षा में पढ़ा होगा तुम लोगों ने, हैं बालक, क्या हो गया तुम लोगों को? SRP बेटा आपका अभी जवाब आया है, मैम देखा ही नहीं मेरा कमेंट आंसर, नहीं बेटा आया ही नहीं आपका, आता तो ऐसा हो पाता ही भी नहीं देखती। अब बताओ, व्हाट इज द नंबर ऑफ गैलियन मून्स ऑफ द जुपिटर व्हिच इज डिस्कवर्ड बाय होम? गैलीलियो गैली, जनवरी 1610। जब तुम लोग का नामो निशान नहीं होगा, तुम लोग क्या, मेरा भी नामो निशान नहीं था उस वक्त के टाइम पे, तो तुम लोग का नामो निशान कैसे हो जाएगा, वो भी एक फैक्ट बात है आई गेस। क्या हो गया, नेटवर्क इश्यूज हो रही है, वीडियो लैग कर रहे हैं वापस से? प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए वीडियो लैग हो रही है या नहीं, वीडियो क्लियर हो रही है फिर नहीं। आज मैं उल्टा बोल रही हूँ, पता है बोल रही हूँ, वीडियो लैग हो रही है कि नहीं, ये बोलना चाहिए कि वीडियो क्लियर है कि नहीं। कह रहे वरधान कह रहे हैं 4 4 4। एनीवन एल्स? सूरज भी कह रहे हैं 4। जल्दी जल्दी जल्दी, और इसका सही जवाब है 4। तो आप यहाँ पे जीतते हैं अपने एग्जाम परीक्षा की तरफ एक और कदम। सॉरी, 4 सैटेलाइट ऑफ जुपिटर, लो एरोपा, गैनोमेटर एंड द कैलिस्ट्रो आर द पॉपुलरली रेफर्ड टू एज द गैलियन मून्स। दिस इज बिकॉज दीज मून्स वर डिस्कवर्ड बाय एस्ट्रोनॉमर इन 1610। आगे बढ़िए, अगर मैं बात करती हूँ कि विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज इज नोन एज अ लैंड ऑफ 1000 लेक्स। बचपन में तुम लोगों ने कभी क्विज में पार्टिसिपेट करा था? अरे विविध स्टक हो रहा है ना, मुझे भी लग रहा है कि स्टक हो रही है वीडियो। बचपन में तुम लोग कोई क्विज वगैरह अटेंड करता था? क्विज में से पूछते थे ना कि 5 नदियों की भूमि कौन सी है, लैंड ऑफ 1000 लेक्स किसे बुलाते हैं? अरे सीजे, तुमने तो एक बार में जवाब दे दिया, फाइनलैंड, फिनलैंड, वरधान भी कह, अरे सबका जवाब सही हो गया, क्या बात है विवेक, सीजे वेरी वेरी गुड। आगे देखो, फिनलैंड व्हिच इज नोन एज द लैंड ऑफ द 1000 लेक्स, फिनलैंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द वास्ट फॉरेस्ट एंड 1,88,000 लेक्स है जहाँ पे। तुम सोचो, कभी हॉलीवुड मूवीज देखते हो, वहां पे अजीबोगरीब चीजें दिखाती हैं, तुम जंगल में चले गए, जंगल में अलग अलग तरीके की आबादी मिल गई, उन्होंने तुमको पकड़ लिया, फिर तुम लेक में चले गए, वो आबादी तुम्हारा रूप ले सकती है। हॉलीवुड मूवीज जैसे ही ऐसा कुछ भी पढ़ते हो ना, तो सीधे उधर याद आ जाता है ना। मगाओ केव्स आर ऑल्सो नोन एज द केव्स ऑफ 1000 बुद्धा विच इज लोकेटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज। अब बुद्धा के बारे में बात कर रहे हैं तो कहाँ पे लोकेटेड होगा? मुगाओ गुफाएं जो है, कंबोडिया, चाइना, जापान, वियतनाम। मैं स्टेट लेवल गया हूँ इसमें, अरे जबरदस्त। ए एक सेकंड, तुम लोग रुको, तो थोड़ा सा वो होगा,
मैं एक बार चेक करती हूँ ये क्यों लैगिंग का सिचुएशन हो रहा है। एक सेकंड रुको, बफरिंग होगी, एक सेकंड रुको। अभी बिल्कुल विजिबल हो रही है कि नहीं हो रही है, लैग हो रही है या नहीं हो रही है? क्या बात है यार, तुम लोग ना चाइना के झंडे के साथ जवाब दे रहे हो। संदीप तोमर, वरदान, विवेक, राकेश कुमार, सीजेड। यार तुम नाम रख लो यार, सीजेड ऐसे बुलाने में अच्छा लगता है। और क्लियर, तो अपन बात कर रहे हैं किसके बारे में, चाइना के बारे में बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही, यहाँ पे देख लो 492 टेम्पल्स, 25 किलोमीटर साउथ ईस्ट और सेंटर में दुनहांग, विच इन ऑइस स्ट्रेटेजिकली लोकेशन ऑन द रिलीजियस एंड द कल्चरल क्रॉस रोड ऑन द सिल्क रोड, गांगसू प्रोविंसेस चाइना में, एंड दे आर कॉल्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट। बेटा इसको मत समझना कि जीवंत साइट है, दिस इज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट, डिक्लेयर कर दिया चुका है। ये वही चाइना है जो तिब्बत में जब जाता है तो वहां पर जितने भी मोनेस्ट्रीज थे बुद्धिस्ट के उन सबको तबाह कर देता है। मैम अंकल सिंह पिंग अ ग्रेट वन। Now, which among the following is also known as the Earth's sister planet? Come on, बचपन से हम लोग जब भी क्विज में खेले हैं, और अच्छा मेरे स्टेट टॉपर को क्विज वाले बताओ, सारे क्विज वाले सवाल आते हैं। पता है तुम लोग एग्जाम में जो आता है वर्ल्ड ज्योग्राफी, वो मतलब ऐसे ही रहता है, तुम लोगों ने अगर पढ़ा होगा ना पहले तो। वधान कह रहे वेनस 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 वेनस। सूरज, SRP, विवेक, बेटा पीटर तुमने ऐसे क्यों लिखा? बच्चा क्यों होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, चिंता मत करो। क्या बात, इसका जवाब सबको सही मिल पता है एकदम, और सबका एक साथ। देखो भैया वेनस जो है वो सेकंड प्लैनेट है सन का, ऑर्बिटिंग ऑन एवरी 22.4.7 अर्थ डेज। अच्छा ये यही तुम लोग जो इसको प्लैनेट एज अ रेफर करते हो, चलो थोड़ी सी अलग बातें करते हैं। ये तुम लोग से जो एज अ प्लैनेट रेफर करते हो, ज्योतिष के रूप में जो तुम लोग जन्म लेते हो, कितने कुंडली मिलाएंगे, कुंडली का मिलान करेंगे, कैसे करते होंगे ये? यार प्लैनेट को ही बैठा लेते हैं, ये लोग पता है एस्ट्रोलॉजी में ले आते हैं। कौन कौन लोग मानते हो ये सारी चीजें सही होती हैं? अच्छा नाउ इट इज नेम्ड आफ्टर द रोमन गॉडेस ऑफ लव एंड ब्यूटी, इसलिए इसका नाम पड़ा है वीनस। इट इज अ टेरेस्ट्रियल प्लैनेट एंड समटाइम्स कॉल्ड अर्थ सिस्टर प्लैनेट, क्योंकि साइज में छोटा है, मास प्रॉक्सिमिटी सन के हिसाब से और बल्क कंपोजिशन के हिसाब से, एंड इट हैज नो नेचुरल नेचुरल सैटेलाइट, बट इट इज रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम अर्थ इन अदर रिस्पेक्ट, एंड इट हैज अ डिसेंडेंट एटमोसफेयर ऑफ 4 टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन 96% CO2, और एटमोसफेरिक प्रेशर की अगर बात करेंगे तो इस प्लैनेट का जो सर्फेस है वो 92 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ। 36 गुण कैसे मिलते हैं लोगों के वो क्वेश्चन है। बातें तो सच्ची बताते हैं वो सब मैम जी, सच बताते हैं ना यार। यार पता है मैं अपनी कुंडली देख रही थी, मैंने कुछ दिन पहले परेशान हो गई थी, क्या करें क्या करें, मैंने कहा यार देखो जरा कुंडली, तो मैंने घर को बोला घर पे कि जरा मुझे फोटो खींच के भेजना, तो कुछ हाउसेस हाउसेस का चक्कर होता है ना, सब अपने कोर्ट में बैठे हुए थे बात कर रहे थे, तो सबने कहा कि यार मैम इतनी परेशानियां क्यों हो रखी है, मतलब मेरे साथ क्या है ना, एक चीज करना होगा उसके लिए मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि बस हो गया। तो सबने कहा आपके फर्स्ट हाउस में ना केतु बैठा हुआ है, आपका जुपिटर स्ट्रांग है इसलिए लक आपका अच्छा चल रहा है। मैंने कहा अच्छा ये क्या होता है, मैं नहीं मानता मैं मेंस्ट्रुएशन। सही बात है, अच्छा सूरज, दैट्स व्हाई। इन विच ईयर रॉबर्ट एडवर्ड पेरी बिकम द फर्स्ट पर्सन टू रीच द नॉर्थ पोल, किस ईयर में बताइएगा मुझे, 1906, 1909, 1911 या फिर 1912? उन्नीस सौ नौ, 1909, सबका जवाब आ रहा है 1909। अच्छा ठीक है, अब तुम लोग बोल रहे हो तो मैं तुम लोग की बात को मान लेती हूँ और इसको बोल देती हूँ कि ठीक है आप 1909 में अमेरिकन एक्सप्लोरर थे और यूनाइटेड स्टेट के नेवी ऑफिसर थे, जिन्होंने सेवरल एक्सपीडिशन किया था आर्कटिक के लिए। अच्छा मुझे एक बात बताना, यूएसए के अंदर कितने स्टेट्स हैं टोटल? जवाब, यूएसए के अंदर टोटल कितने स्टेट्स हैं? पता है ना यूनाइटेड स्टेट्स जो है बहुत सारे स्टेट्स के साथ मिला हुआ है, हम में और उनमें डिफरेंस क्या है कि हमारा जो स्टेट है वो हमसे अलग नहीं हो सकता है, पढ़ाया था पॉलिटी में आप लोगों को, अपनी मर्जी से अलग नहीं हो सकता है हमारा स्टेट, हम पूरे के पूरे भारत हैं, हिंदुस्तान है, उसमें से मिला के हमने स्टेट बनाया है, जबकि यूनाइटेड स्टेट जो है बहुत सारे राज्यों को साथ मिला के बना है ये यूएसए। 50 स्टेट्स, 50 स्टेट्स, चलो बढ़िया। Prairies are the grassland typically found in where? Prairie.
बोलो बोलो बोलो, कहां पे पाया जाता है? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका या फिर एशिया? जल्दी जल्दी। तो पर पिछले कुछ दिन बहुत ज्यादा कुछ वो बताया था पहले। विवेक प्लीज यार, कांटेक्ट नंबर यार प्लीज भाई, हेल्प मी। वेरी वेरी गुड, इट्स नॉर्थ अमेरिका। चलिए, बढ़िया एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर क्रॉसेस द इक्वेटर ट्वाइस? कौन सा रिवर जो है वो इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करता है? नील, अमेजॉन, कॉन्गो, नन ऑफ द अबव, विच वन? हो गया हो गया हो गया, दूसरा दूसरा सवाल। यार तुम लोग पता, तुम झंडे गाड़े जा रहे हो एकदम, बिल्कुल कुछ बच्चे हैं एकदम। तपाक से जवाब एकदम सीधे। निगम कह रहे कॉन्गो, SRP कह रहे बी, सूरज भी कह रहे कॉन्गो, राहुल कह रहे अमेज़न, राकेश मैम जा रहे कहाँ? चांद पे। सबसे अच्छा आज बाबा। पता चला ना वरदान, अगर मैं चली गई ना किसी मतलब को ढूंढ के, तो उसके बाद होगा क्या पता, मैं तुम लोग को दिखूंगी नहीं अगले दिन से। हे भगवान, पता नहीं क्या ना क्या कर दे भगवान जाने। हाँ, चांद पे। जो राइट आंसर, हम बात करें किसके बारे में? कॉन्गो। कॉन्गो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। जब तुम लोग ऐसे निकाल के हो गए ना एग्जाम, तो मैंने कहना है कॉन्गो रिवर जिसको क्रॉस करता है इक्वेटर को ट्वाइस, इज द सेकंड लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट रिवर है अफ्रीका में, नील रिवर के बाद। अब बताइए, लीप सेकंड इज ऑलवेज क्या? पॉजिटिव होता है 1 सेकंड एडजस्टमेंट से, नेगेटिव होता है 1 सेकंड एडजस्टमेंट से। ध्यान से सुनना, पॉजिटिव और नेगेटिव होता है 1 सेकंड के एडजस्टमेंट से या फिर 2 सेकंड एडजस्टमेंट से। लीप सेकेंड, क्यों इतने चुपचाप हो गए हैं मेरे बालकों? क्यों? संस्कृत में पढ़ा था तुमने, बालक बालकम, बालका बालकाया बालकम। चलो बताओ। ठीक है, बीच में मैं रुक गई क्योंकि मुझे आगे याद नहीं आ रहा था, बचपन में पढ़ा था मैंने और बहुत मुश्किल से मैंने याद करा था उस चीज को लेके। अमित, अमित कह रहे ए ए ए, निगम भी कह रहे हैं ए। वधान भी कह रहे हैं ए, और बाकी का जवाब कितने हैं? फिलहाल के लिए जवाब है कोई ना कोई तो। सूरज गुडवाना, सूरज कह रहे हैं फिलहाल के लिए जवाब है कि कोई ना कोई तो इसमें से कहीं बेचारा कंफ्यूज हो गया है। वो कह रहा है मैम, सही बात है सही बात है। तो मैं आप लोगों के लिए बता दूं किसका जवाब होगा सी, पॉजिटिव और नेगेटिव 1 सेकेंड एडजस्टमेंट। देखो, लीप सेकेंड इज 1 सेकेंड एडजस्टमेंट होता है, दैट इज ऑकेशनली अप्लाइड ऑन द कोऑर्डिनेट यूनिवर्सल टाइम। तो जैसे हम इसको उस टाइम पे अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, अकोमोडेट द डिफरेंस बिटवीन द प्रिसाइज टाइम एंड इम्प्रिसाइज टाइम, जो कि ऑब्जर्व किया जाता है कहाँ पे, सोलर टाइम पे। बड़ा अच्छा जवाब लगा यार सूरज तुम्हारा। नो आइडिया, गेट आइडिया। पहले तो आता था ना अभिषेक बच्चन का वो एड आता था, कहती थी नो आइडिया, तो कहता था गेट आइडिया। बेचारा इतना अच्छा बाप होने के बाद भी बेचारा सक्सेस नहीं कर पाया। बताओ बताइए, एडविन हार्वर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग वाज एन इन्वेंटर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी? बेटा तुम लोग हैरी पॉटर में मत पहुंच जाना, ठीक है? हम इधर बात कर रहे हैं, इधर आ जाओ। टेलीविजन, कॉम्पैक्ट डिस्क, FM रेडियो, ब्रॉडबैंड। मेरा सही है। अरे विवेक गजब, सेशन को एक बार फटाफट जल्दी से तुम लोग लाइक और शेयर करो। कैसे बच्चे हो तुम लोग, रेडियो वाले अंकल। अच्छा ओके, सूरज भी कह रहे हैं बी, कॉम्पैक्ट डेस्क। वरदान कह रहे हैं FM रेडियो, दिल का रेडियो। अच्छा ओके, चलो ठीक है, तो मान लेते हैं इस बात को और कहते हैं कि FM रेडियो दिल का रेडियो। ये तुम लोग को वो टाइम याद है जब पहले के टाइम पे दूरदर्शन आता था और डिश टीवी तो आ गया था हम लोग के टाइम पे, 2 साल बाद ही फिर आ गया था, लेकिन तब दूरदर्शन वगैरह, नेशनल टीवी, बड़े अच्छे से सीरियल आते थे नेशनल टीवी पे, और FM रेडियो तो हर किसी को सुनना ही होता था सुबह सुबह के टाइम पे, स्पेशली जब वर्ल्ड कप चल रहा हो, मैच चल रहा हो, सबका जो क्रेज रहता था। हाँ जी, देखो चलो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग फटाफट।
अच्छा इनका जन्म की जब बात आएगी तो 1890 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है याद रखना। अगर तुम लोग को सवाल घुमा के दिया जाता है कि फादर ऑफ एफएम रेडियो कब इनका जन्म कब हुआ था, तो आपके पास ऑप्शन जो रहेगा तो 1890। ओके आगे बढ़ जाइए। अल्ट्रासाउंड विच इज द अपर लिमिट ऑफ ह्यूमन हियरिंग इज कैरेक्टराइज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी। हम इतने पुराने भी नहीं है। अच्छा ओके हाँ अरे रेडियो ग्रेस तो अभी भी, अभी क्या गाड़ी में बैठते, तो गाड़ी में बैठते हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले रेडियो लगाते हैं गाड़ी में बैठते ही, गाने सुनते हैं, अभी भी जब हम लोग डेडिकेट करते हैं गाने। मैं बचपन में पूरा मैच सुन लेता था रेडियो पे। अरे वही होता था, वही होता था, क्योंकि क्या होता था ना उस टाइम पे पावर कट बहुत ज्यादा होता था, बहुत ज्यादा, जब हम लोग छोटे छोटे रहेंगे 2 क्लास 1 2 क्लास 3 क्लास से माइंड बहुत ज्यादा पावर कट वगैरह होता था। और अगर आप मैच देख रहे हो क्या दिमाग चलता था, जब तक जनरेटर उठता, जब तक जनरेटर चलता तब तक लोगों का दिमाग खराब होने लगता था, क्या हो गया क्या हो गया। बहुत ही नॉर्मल सा ये सवाल है और इसका जवाब है इट्स ए, इट विल बी ए ए ए ए ए ए मॉर्क हो गए वर्धमान एकदम, तुम देख कहीं और रहे हो, लगता तुम्हारा ध्यान अभी ऑफिस में चला जा रहा है। कोई बात नहीं, तुम्हें एक्सक्यूज कर रही हूँ कि तुम ऑफिस में हो फिलहाल इस वक्त पे। देखो अबव 20, देखो अल्ट्रासाउंड रेफर करता है साउंड वेव को जिसकी फ्रिक्वेंसी होती है ग्रेटर देन द अपर लिमिट ऑफ ह्यूमन हियरिंग के हिसाब से, जिसको हम लोग जनरली क्या कहते हैं भैया 10 है ना। देखो यहाँ पे इन जनरल ह्यूमन कैन हियर द साउंड फ्रिक्वेंसी, सॉरी मैम कोई बात नहीं कोई बात नहीं, होता है कभी कभी, नो इश्यूज। विवेक बड़ी जल्दी तुमने जवाब दे दिया, तुमने तो आप हिमाचल में नहीं हो ना तो दिक्कत है लाइट की। बउआ को सुनते हैं, अच्छा समझ गए किसको सुनते हैं, हम सब समझ गए। हेलो समर प्रताप, नाउ थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट रिएक्टर जो है ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है कहाँ पे, इटली में, फ्रांस में, जर्मनी में या फिर चाइना में, बताइए 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 बताइए। इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है ये, मेगा प्रोजेक्ट है, इंजीनियरिंग का मेगा प्रोजेक्ट है, कितने लोकेटेड है बताओ। सबका सबके जवाब गायब हो गए ना अभी से एकदम, अरे कम से कम कोशिश तो करो। निगम क्या बात है, राहुल निगम वेरी गुड, समर बहुत अच्छे। अच्छा नेट खत्म हो गया तुम लोग का, बात कर रहे हैं फ्रांस के बारे में, यस बता बात कर रहे हैं फ्रांस के बारे में। आईजीआर जो कि एक इंटरनेशनल न्यूक्लियर फ्यूजन रिसर्च एंड इंजीनियरिंग का मेगा प्रोजेक्ट है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट प्लाज्मा फिजिक्स एक्सपेरिमेंट है, जो कि कहाँ पे लोकेटेड है, फ्रांस में लोकेटेड है। सुने तुम, फादर ऑफ रेनेसेंस ऑफ वेस्टर्न इंडिया वॉज वॉट, बी एम मालावरी, एम जी राणदेव या फिर आर जे भंडाकर या फिर के टी तेलांग। जल्दी जल्दी जल्दी, मेरा वाईफाई दिक्कत कर रहा है समझ रही हूँ, पता नहीं शायद बारिश वारिश की वजह से ना कुछ इश्यूज हो रहे हैं। वेरी गुड वरदान, सूरज कह रहे हैं बी, ओके निगम भी कह रहे हैं बी, बहुत अच्छे, बिल्कुल 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 सही जवाब है। कितने बजे क्लास है मॉम? अच्छा बेटा क्लास है आपकी 6 बजे स्पेशल पे, ठीक है। एम जी राणा दे के बारे में बात करें, जस्टिस महादेव गोविंद राणा दे 1842 से लेके 1901 से लेके, जो कि डिस्टिंग्विश्ड इंडियन स्कॉलर भी रहे थे, सोशल रिफॉर्मर रहे थे, ऑथर रहे थे, और इनको कई बार हम कहते हैं फादर ऑफ रेनेसेंस ऑफ वेस्टर्न इंडिया। एंड ही वॉज द वन हु इज द हु वॉज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड ही एस्टैब्लिश्ड द विडो मैरिज एसोसिएशन। आपको पता होगा पहले विडो की शादियों में बहुत तकलीफें आती थी, बहुत दिक्कतें आती थी, तो बहुत सारे लोगों ने इसके समाज सुधारक के रूप में काम किया था। 1861 में इन्होंने इनकरेज किया था और पॉपुलराइज किया था राणा दे फाउंडे, विच इज अ पूर्ण सार्वजनिक सभा 1870 में, जो कि रिप्रेजेंट करता था गवर्नमेंट को और एस्पिरेशन ऑफ द पीपल, विच इज द नोन टू बी द मेंटर एंड द पॉलिटिकल गुरु ऑफ द फेमस फ्रीडम फाइटर गोपाल कृष्ण गोखले साहब के, और बाल गंगाधर तिलक के, एंड ही वॉज अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम अनटचेबिलिटी एंड वॉज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ विडो री मैरिज, सोशल रिफॉर्मर, अ ट्रू सोशल रिफॉर्मर। The birth name of which of the following famous mystic was गदाधर चट्टोपाध्याय, किनका ये नाम था, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, श्री अरविंदो, स्वामी
प्रभुपदा, किनका नाम था ये? तुम लोग को पता था शक्ति नाम का, शक्तिमान का ही नाम था गंगाधर। एक ये यहाँ पे गदाधर है, गंगाधर नहीं है वैसे। वो मैं ऐसे ही बोल रही हूँ तुम लोग को। वेरी गुड, वेरी 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 गुड, वेरी गुड। रामकृष्ण परमहंस का, उनका ही नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। ना विच ऑफ द फॉलोइंग डेज एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह टुक प्लेस, किस तारीख पे भगत सिंह को फांसी दी गई थी? तो मेरे बाल टूट गए यार, पता नहीं क्यों इतने, जाने दो। चलो बोलो बताओ, विच बताइए जल्दी जल्दी। 23 मार्च 1931। विवेक कह रहा मेरे बर्थडे वाले दिन। ओके ओके ओके, यस एब्सोल्युटली राइट, इट वाज 23rd मार्च 1931। ये वही दिन था जिस दिन भगत सिंह को कन्विक्ट किया गया था, एग्जीक्यूट किया गया था यंग एज पे, जब वो मात्र 23 साल के थे, और उनका इन्वॉल्वमेंट था असैसिनेशन ऑफ जॉन के, और लाहौर के जो कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था वहाँ पे ब्रिटिश पुलिस रहा था वो इंसान, और भगत सिंह और उनके कमांडर जो थे उन्होंने रिवेंज लेने के लिए डेथ ऑफ लाला लाजपत राय, जो कि पुलिस की वजह से, पुलिस की लाठीचार्ज की वजह से मारे गए थे, और उनको कन्विक्ट किया गया था ट्रायल के बाद एक स्पेशल ट्राइब्यूनल के द्वारा, उनको सेंटेंस किया गया था डेथ बाय हैंगिंग। 23 मार्च 1931 की बात है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को एग्जीक्यूट किया गया था इस दिन पे। आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इवेंट्स टुक प्लेस इमीडिएटली बिफोर द मैस्कर ऑफ जालियांवाला बाग, इस जालियांवाला बाग का जो नरसंहार हुआ था इससे ठीक पहले इनमें से कौन सी घटना हुई थी? पार्टीशन ऑफ बंगाल, एबर्ट बिल, पैसेज ऑफ रॉवेल्ट एक्ट, या मिंटो मॉल रिफॉर्म, विच वन? चुप रहो विवेक। हाँ धान कुछ करना पड़ेगा यार। पैसेज ऑफ रॉवेल्ट एक्ट, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। देखो यहाँ पे पास किया गया था ये एक्ट, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल दिल्ली में 21 मार्च 1919 को एम्पावर किया था गवर्नमेंट को टू पुट एनीवन बिहाइंड द बार बिना किसी ट्रायल के और बिना किसी को कन्विक्शन इन द कोर्ट लॉ। अगर ट्रायल नहीं हो, अगर कन्विक्शन नहीं होगा तो तुमको अपनी सफाई रखने का तो मिल नहीं पाएगा मौका, कन्विक्शन नहीं होगा तुमको जमानत पे तो तुम छूट नहीं पाओगे फिर। और बेसिकली ये जो राइट था, ये जो लॉ था ना, ब्लैक एक्ट जिसको कहा जाता, बहुत ही खतरनाक टाइप का ये लॉ था, क्योंकि वो तुम्हारे हेबियस कॉर्पस के जो राइट को बिल्कुल तरीके से सस्पेंड कर दे रहा है, विच मीन्स यू हैव अ बॉडी राइट। अगर ट्रायल ही नहीं होगा, अगर कन्विक्ट नहीं किया, मतलब सीधे तुमको पकड़ा, काला पानी का सजा दे दिया और पता भी नहीं चलेगा तुमको मार दिया गया, तुम्हारे साथ क्या किया गया है, और गवर्नमेंट जो है इसके लिए जवाब भी नहीं देगी आपको। बहुत ही फेमस एक्ट रहा था ये, और बहुत ही कहते हैं ना अधिकारों का हनन करने वाला एक्ट था। द बंगाली न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविस्ट 1879? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी साहब ने उसकी शुरुआत करी थी, आनंद मोहन बोस, नाग गोपाल मित्रा, नाबा गोपाल मित्रा, या राज नारायण बसु? राइट राइट राइट। आज का आखिरी सवाल और फिर हम लोग मिलेंगे अब स्पेशल क्लास में, जल्दी दो। नहीं चलो थोड़ा सा और करा ही देती हूँ, थोड़ा सा और सवाल है बचा हुआ। वेरी वेरी गुड। देखो यहाँ पे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के बारे में बात करें, जो कि अर्लियर पॉलिटिकल लीडर भी रहे थे ब्रिटिश रूल में, उन्होंने फाउंड किया था न्यूज़पेपर द बंगाली इन 1879, और फाउंड किया था इंटरनेशनल एसोसिएशन को आनंद मोहन बोस को, इन्होंने फर्स्ट इंडियन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था 26 जुलाई 1876 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन पॉलिटिक्स में इनका काफ़ी अच्छा नाम भी था। विवेक बी बी कह रहे थे कब से, अरे अरे विवेक राइट, सूरज राइट, उनके पास ये पावर थी कि वो चाहते तो बचा सकते थे।
Now, the two-nation theory was propounded in which of the session of the Muslim League? Two-nation theory, जिसका अभी भी काफी जिक्र हुआ था, जब आपसे मैं session ले रही थी, मैं आप लोगों के current affair के जब मैं session ले रही थी, तभी मैंने आप लोगों को two-nation की एक theory भी डाली थी, आप लोगों को अगर याद होगा तो, जिस theory को United Nation ने अपनाया था, और अभी भारत ने भी अपनाया था इसराइल और फिलिस्तीन के मामले में। तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ये टू नेशन का जो थ्योरी था ये प्रोपाउंड किया गया था मुस्लिम लीग के किस सेशन में? लाहौर सेशन 1940 वाले में, बॉम्बे का सेशन हुआ था 1915 वाले में, दिल्ली सेशन 1918 में, या कैलकटा सेशन 1917 में? अच्छा ठीक है, ओके विवेक। वेरी गुड, लाहौर सेशन 1940। देखिए यहाँ पे फैजल हक जो है उन प्री में था जब बंगाल का, उनके साथ थे कौन? मुस्लिम लीग का फॉर्म हुआ था गवर्नमेंट बंगाल प्रोविंसेस में, और मूव किया गया था एक रेजोल्यूशन को, तो उस रेजोल्यूशन को पास किसने किया था? मुस्लिम लीग ने पास किया था। अब इस सेशन में जिन्ना ने अपनी प्रेसिडेंशियल एड्रेस दिया था और गेव द फेमस टू नेशन थ्योरी एज इंडिया कैन नॉट बी एज्यूम टूडे टू बी द यूनिटेरियन एंड द होमोजीनियस नेशन, बट ऑन द कॉन्ट्रेरी देयर आर टू नेशन इन द मेन, हिंदूज एंड मुस्लिम। पहले ये वन नेशन था हमारा, जिन्ना ने टू नेशन की थ्योरी दी थी, कहा था इंडिया जो है सिर्फ उसको एक नहीं मान सकते हैं, कहीं भी तरीके से यूनिटेरियन नहीं मान सकते हैं, यहाँ पे दो तरह के लोग रहते हैं, एक रहते हैं दो नेशन रहता है, दो तरह के लोग रहते हैं, हिंदू और एक मुस्लिम। ये कुछ शब्द थे जो कि जिन्ना के द्वारा बोले गए थे। द टर्म पाकिस्तान वॉज नॉट यूज इन दिस सेशन, गांधी जी ने रिजेक्ट कर दिया था टू नेशन की थ्योरी को। पाकिस्तान के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि पाकिस्तान जो था बच्चे कोई नाम नहीं था, इट वॉज अ डिमांड। पंजाब, अफगानिस्तान, कश्मीर, बलूचिस्तान, सिंध, दिस वॉज वॉट डिमांड, जो कि डिमांड करी गई थी। अगर हम बात करते हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो कौन रहे थे उस टाइम पे भारत का गवर्नर जनरल? कौन रहे थे उस टाइम पे? लॉर्ड कैम्सफोर्ड, लॉर्ड डलहाउजी, लॉर्ड डफरिन, या नॉन ऑफ द अवर? विच वन? अरे सूरज ए ए ए, अब इसका जवाब दो फटाफट। 22 का वरदान कह रहे लॉर्ड डफरिन, समर प्रताप कह रहे 22 का ए, ओके समर, सचिन कह रहे हैं बी डलहाउजी, ओके निगम वर्धान, बहुत ही बढ़िया। सिर्फ दो लोगों का जवाब जो है यहाँ पे सही है। देखो लॉर्ड डफरिन 1826 से लेके 1902 तक गवर्नर जनरल रहे थे और वाइसरॉय ऑफ इंडिया रहे थे 1884 से लेके 1888 तक। उसने सक्सीड किया था लॉर्ड रिपन को दिसंबर में 1884 से लेके जो थे, एंड वाज नोन वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल डिप्लोमैट ऑफ हिज टाइम। बहुत सक्सेसफुल डिप्लोमैट उनको जाना गया था उनके टाइम पे। फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पर ए ओ ह्यूमन इन 1885, द थर्ड एंग्लो बर्मिज वॉर जब हुआ था 1885 में, जब टू इंपॉर्टेंट इवेंट हुए थे इस पीरियड में। अगर आपको एंग्लो बर्मा का अगर आपको टाइम आपको याद होगा कितना जबरदस्त वाला ये वॉर हुआ था, अगर आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, नहीं तो इसके बारे में एक बार आपको एक सेशन रख देंगे। द थर्ड एंग्लो बर्मिस वॉर जो रिजल्ट हुआ था एनसेशन ऑफ द अपर बर्मा, एज द रिजल्ट हिज टेन्योर सॉ द फाइनल एक्सटेंशन ऑफ बर्मा एज एन इंडिपेंडेंट पावर। अच्छा विवेक तुम्हारा पहले आया नहीं था बच्चा, इसलिए नहीं देखा बच्चा, कुछ इश्यूज हो रहे होंगे। Now, which of the following act formally made the Governor General of Bengal as the Governor General of India? इनमें से कौन सा act जो है, हर बार ये सवाल आता है और हर बार कहीं ना कहीं से आपको ये सवाल मिल ही जाएगा, कौन सा act जो था Governor General जो Bengal का था उनको बना देता है Governor General of India? हाँ SRP, तुम तो एकदम पते की बात बोले हो यार, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हारा बर्थ नहीं हुआ था उस टाइम पे। पवन तुम जवाब दोगे तब तो। Yes, it was Charter Act 1833. Very good. है ना, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बना दिया गया था गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और जितने भी फाइनेंशियल पोजीशंस थे, जितने भी फाइनेंशियल पावर थे, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थे, उनको सेंट्रलाइज करके किसके हाथ में दे दिया गया था भैया? गवर्नर जनरल इन काउंसिल के हाथ में दे दिया गया था। अब देखिए अगर हम बात करते हैं कि किस साल में बंगाल का पार्टीशन को रद्द किया गया था, है ना, बंगाल का पार्टीशन कर दिया गया था पहले, फिर उसको किस साल में रद्द कर दिया गया था? 1909, 1910, 1911 या 1912? ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं कई बार पॉलिटी के सेशन में। अरे बस ऐसे ही पता चल गया, मैंने अंदाजा लगा लिया। विवेक कह रहे थे डी, अरे इसका जवाब दे दो।
वेरी गुड, इट्स 1911 के अंदर लॉर्ड कर्जन ने अनाउंस किया था बंगाल का पार्टीशन 20 जुलाई 1905 का। वाइजरी भी रहे थे उस टाइम पे इंडिया के, उसने कमेंस किया था 16 अक्टूबर 1905 में। उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट जो था वो शुरू हो गया और ब्रिटिश गवर्नमेंट को लॉर्ड हार्डिंग जो थे उन्होंने रिवोक कर दिया बंगाल का पार्टीशन 1911 में। तगड़ा विरोध हुआ था इस चीज का। अरे विवेक देख लिया मैंने जवाब तुम्हारा, यस सूरज, प्रधान, समर, सचिन। चलो अब देखो, कोहिनूर डायमंड वॉज फाउंड प्रोबेबली फ्रॉम विच अमंग द फॉलोइंग मैंस। मैंने यहाँ पे टर्म यूज किया है प्रोबेबली का, टर्म यूज किया था कि संभवतः, कहाँ से तुम्हें लगता है कि किस खादान से कोहिनूर हीरे की प्राप्ति करी गई थी। कितना खूबसूरत होगा ना कोहिनूर हीरा असल में से सामने से देखने में। वेरी गुड वर्धान, निगम, सचिन, विवेक, क्या बात है यार, तुम लोगों को बड़ा पता है। मैम संजीवनी ने सुपर बाइक की मित्र इन्फॉर्म द पार्टीशन ऑफ बंगाल। राइट सूरज, आगे बढ़ जाते हैं। नाउ हु अमंग द फॉलोइंग इंग्लिश ऑफिसर वॉज रेडी टू फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। इनमें से कौन सा इंग्लिश ऑफिसर जो था वो रिलेटेड था पहला एंग्लो मैसूर वॉर से। कर्नल स्मिथ, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड वेल्सले, जॉन साइमन। यहाँ पे स्पेलिंग गया था बच्चा जॉन साइमन का। मैं बिल्कुल आपकी तरफ तो रोज कोई नूर देखते हैं। हाँ बेटा शुक्रिया, अभी जवाब दे दीजिए। गिफ्ट दे चुके हैं मसले पर। अच्छा वेरी वेरी, नहीं नहीं सूरज नहीं, इट्स कर्नल स्मिथ। नहीं वर्धान क्या हो गया है, बार बार ये मैसेजेस पता है शो साइड पे चले जा रहे हैं। कर्नल स्मिथ, कर्नल स्मिथ, कर्नल स्मिथ। देखो फर्स्ट एंग्लो मैसूर का जो वॉर हुआ था वो किस कब लड़ा गया था, 1767 से लेके 1769 ईडी के बीच में किया गया था। तब के टाइम पे जब ब्रिटिश जो था और निज़ाम जो थे और मराठास ने एक क्रिएट किया था, ट्रिपलेट अलायंस क्रिएट किया था, किसके अगेंस्ट पे, हैदर अली के अगेंस्ट पे। जब ट्रीटी ऑफ मद्रास को साइन किया गया था 4 अप्रैल 1769 पे, उस टाइम पे कर्नल स्मिथ जो थे वो सक्सीड कर जाते हैं और सिक्योर करते हैं कुछ और भी विक्ट्रीज आने वाले इनिशियल स्टेज में। ट्रीटी ऑफ मद्रास जब हुआ था, इसका टाइम डेट याद रखिएगा, ट्रीटी ऑफ मद्रास जो है एफकेट वाले आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, 4 अप्रैल 1769। ठीक है, हाँ विवेक तुम्हारे आंसर थोड़े से लेट जा रहे हैं, कोई बात नहीं, तुम जवाब जान रहे हो, मुझे तुम्हारे जवाब दिख रही है कि तुम जान रहे हो, बस वही बात खत्म। बेगम हजरत महल जिन्होंने रिवोल्ट जो था भैया 1857 का, जो रिवोल्ट की जब लहर उठी तो बेगम हजरत महल जो है उन्होंने कहां से इस विद्रोह का नेतृत्व किया था, इसका जवाब तो बता दो कम से कम। मैंने कितनी बार मैंने जिक्र किया होगा इनका। निगम कह रहे लखनऊ, सूरज कह रहे हैं लखनऊ, निगम कह रहे हैं लखनऊ। वरदान लखनऊ, 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 लखनऊ नवाबों के शहर। अरे विवेक तुम्हारा आ गया, देखो इंतजार करा और आ गया, बी एक साथ तुमने टाइप करा, इट्स बी लखनऊ। Important leader of the revolt 1857 and corresponding places are Delhi, Bahadur Shah II and General Bakht Khan, Kanpur se Nana Sahib, Tatiya Top, Rao Sahab, Tatiya Top, Azimullah Khan, Lucknow se Begum Hazrat Mahal, Barish Qadir, Ahmedullah, Jhansi se Rani Lakshmibai, Bihar se Kaur Singh aur Allahabad se Maulvi Iqtiyat Ali aur Bareli se Khan Bahadur Khan aur Faizabad se Maulvi Ahmedullah। ये सारे लोग जो थे ये रिवॉल्ट में ज्वाइन कर चुके थे। अगर हम ट्रीटी ऑफ यादवों के बारे में बात करेंगे तो ये किस राज्य से लोकेटेड है, संबंधित था, पंजाब, आसाम, कर्नाटक या फिर उड़ीसा, विच वन। क्या होता है पता नहीं यूट्यूब में बार बार ये तुम लोग के जो कमेंट्स होते हैं पता नहीं ऐसे क्यों हाइड हो जाते हैं। नहीं 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 निगम, विवेक इतना लंबा आंसर टाइप नहीं कर रहा, बेचारे का जा नहीं रहा था आंसर, तो इसने गुस्से में एक साथ टाइप कर दिया होगा, मैं समझ पा रही हूँ।
इसने गुस्से में एक साथ टाइप कर दिया होगा बहुत सारा बी 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 करके एक साथ, क्योंकि जा नहीं रहा होगा। রাহুল তুমি বাংলাতে লিখছো, এখানে পড়াশোনা চলছে ইংলিশে আর হিন্দি, তুমি বাংলা লিখছো এখান থেকে? হ্যাঁ, আসাম 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 আসাম, ইটস আসাম, ইয়েস, রাইট 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 জবাব। চলো দেখো চিঠিটা ফের আমাদের, সাইন বাই দ্য ব্রিটিশ জেনারেল আর্চার আবাদ ক্যাম্পবেল আর বার্নমি যে থে উস সাইড পে 24 ফেব্রুয়ারি 1826 को। आपको पता है एनआरसी और सीए लाने का बहुत बड़ा एक फर्क भी था उस टाइम पे जो आंदोलन चला था, जब एक बीच में मंत्री की मौत हो गई थी, हीरालाल की कोई मंत्री था, हीरालाल या हीरालाल करके एक एमपी था जिनकी मृत्यु हो गई थी, और जैसे ही बर्मा का वॉर हुआ था, एंग्लो बर्मा का वॉर हुआ था, तो बहुत सारे लोग उधर से भी आ गए थे। मैं आपको ये बताऊंगी इस सेशन के बारे में, सेशन में इसके बारे में। तो हुआ क्या था कि जब इलेक्शन कंडक्ट कराया गया, बीच में उनकी मृत्यु हो गई, तो इलेक्शन कंडक्ट कराने की बात आई, तो जब इलेक्शन जब कंडक्ट जब कराने की बात आई, तो उसी टाइम पे क्या हुआ कि देखिए कि अचानक से लोग बढ़ गए। पिछले इलेक्शन में यानी कि ठीक 2 साल पहले लोग थे नॉर्मल, ठीक 2 साल बाद बीच में मंत्री की मृत्यु होने से जब इलेक्शन कंडक्ट कराए जाने वाले थे, तो देखा कि लोग अपने आप बढ़ गए और अचानक से बहुत हैवी तादाद में लोग बढ़ गए, तो स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था इस चीज़ को लेकर। आसामीज मैम, अच्छा ओके 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 मैम, ये आपने कौन सी प्राचीन भाषा में बात की है? बेटा ये मैंने ना बंगाली भाषा में बात करी है। गुड वन सूरज। देखो आगे, विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट करेक्टली डोनेट्स द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन आर्मी ऑपरेशनल कमांड? अब बताओ, ईस्टर्न कमांड कोलकाता, वेस्टर्न कमांड चंडी मंदिर, नॉर्दर्न कमांड उधमपुर, साउथर्न कमांड चेन्नई। बिकॉज मैम है ही सबसे अलग, राइट मैम था। चलो जवाब दो। निगम कह रहे डी, वधान कह रहे डी, विवेक, सूरज और बाकी लोग कितने? राहुल, अमन, विजय, absolutely right, it's D, Southern Command, Chennai। चलिए, हेडक्वार्टर तभी है पुणे में। आज का आखिरी सवाल आप लोगों के सामने, कब तक, किस वर्ष तक कलकत्ता जो थी वो भारत की राजधानी थी? 1912, 1913, 1914 या फिर 1915? मैम का जलवा यहाँ पे इसलिए है क्योंकि मैम के बच्चों का जलवा है, समझे? बगैर बच्चों के मैम थोड़ी कुछ है, बच्चों का प्यार है तो मैम सब कुछ है कि नहीं? वर्धान कह रहे 1912। ओके राहुल, 1915 कैसे हो गया बेटा? समर कह रहे 30 का A, निगम भी कह रहे 1912, विजय भी कह रहे 1912, विवेक भी कह रहे 1912। बहुत ही अच्छे, इसका जवाब है सही 1912 तक। कलकत्ता कब तक था भैया कैपिटल इंडिया का? 1912 तक था। उसके बाद कहाँ ट्रांसफर कर दिया गया? दिल्ली में ट्रांसफर कर दिया गया, और तब से पता नहीं क्यों दिल्ली में इतनी पॉल्यूशन हो गई कि कहने का नहीं है, क्या ही बोला जाए। चलो थैंक यू बोलो सभी, जल्दी जल्दी थैंक यू बोलो प्यार से। तुम लोग को स्कूल का टाइम भूल गए? स्कूल के टाइम में कितने प्यार से अपने टीचर्स को खड़े होकर बोलते थे थैंक यू मैम, थैंक, गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू। हाँ जी सूरज, चलिए तो एक बार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को चैनल के साथ ही, चैनल को तो हम लोग सब्सक्राइब करोगे और वीडियो को तो आप लोग लाइक करोगे और शेयर कर दोगे अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप लोगों को सेशन सही लगा हो, आपको लगा हो आपके लिए हेल्पफुल है, तो नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर, और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि जितने भी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएंगे, और फटाफट टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि जितने भी क्लासेस के अपडेट्स होंगे वो आप लोगों तक पहुँच जाएंगे और आप लोग को मिल जाएंगे। थैंक यू विवेक, थैंक यू निगम, थैंक यू मैदान, विजय थैंक यू। चलो बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं आप लोगों से फिर बहुत ही जल्दी स्पेशल क्लास में शाम को 6 बजे। करंट अफेयर्स आज पढ़ेंगे हम लोग, स्पोर्ट्स का करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं आज हम लोग उसको पढ़ेंगे, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।